शशांक जी नहीं, मुझे एक्चुअली एक बड़ी अच्छी लाइन है उन्होंने शुरुआत में मुझे सिखाई थी जब मैं 21-22 साल का था, कि इस इंडस्ट्री में टेक्नीशियन को, खासकर एक्टरों का नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि आप एक ही जगह खोदें तो ज़्यादा जल्दी पानी निकलेगा। ओके सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आज हप्पू सिंह की उल्टन पल्टन के सेट पर यहां पर हमारी मुलाकात हुई, जो इस शो को डायरेक्ट कर रहे हैं, ऋत्विक मुखर्जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। ऋत्विक जी, जो शो है, ऑडियंस को ना इससे उम्मीद कुछ ज़्यादा थी, क्योंकि पहले ही वो करेक्टर इतना एस्टेब्लिश और इतना हिट था। तो जब इसको आप पूरा सजा रहे थे, डिजाइन कर रहे थे शशांक जी के साथ, शशांक जी इसमें सीरीज डायरेक्टर हैं, आप एपिसोडिक डायरेक्टर हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस थे माइंड में, कि क्या क्या हो सकता, क्या क्या डर थे? हाँ देखिए, क्योंकि हप्पू ऑलरेडी फेमस था, तो उसके किरदार को लेके हमें डाउट नहीं था, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी लव्ड। अब उसके साथ इस शो में बहुत सारे किरदार हैं, बच्चे हैं, 6 बच्चे दिखा रहे हैं हम, बीवी, और तो हमारा फर्स्ट जो फॉर्मूला क्रैक करना था हमको, वो बीवी, क्योंकि उसकी घरेलू ज़िंदगी में वो जो बाहर जो लीचरपनियाँ करता है भाभी जी में, उसके अलावा अब घर में आके ही इज़ अ वॉट से सिंगल वुमन मैन वाला जो उसका इमेज है, तो बीवी बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन चाहिए था बीवी का, और हप्पू की माँ जो हिमानी जी कर रही हैं, तो क्योंकि दिस इज़ हिज फैमिली लाइफ, तो फैमिली को स्ट्रॉन्ग करना और सिमिलरली बच्चों के एक एक किरदार को रजिस्टर करवाना, तो अब उनके भी कुछ वियर्ड आदतें हैं सबकी, तो हमको ये पता था कि हप्पू तो वो फ्रेम में खराब ही रहेगा तो फनी है, तो बाकी लोग रजिस्टर हो जाएं और एज सून एज पॉसिबल, वी शुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग इट, दैट वाज द चैलेंज। लेकिन अब सभी कुछ अच्छा हो गया, हप्पू सिंह का सब हैप्पी हैप्पी चल रहा है, सभी लोग पसंद कर रहे हैं उसको जी। आपकी शुरुआत कैसे हुई डायरेक्शन में? मैं बम्बई आया एक कोर्स करने फिल्म मेकिंग का, जेवियर्स में, सेंट जेवियर्स में, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैं बेसिकली ग्रेजुएशन मैंने किया था जूलॉजी ऑनर्स में, मैं बायोलॉजी के फील्ड से हूँ। अचानक मेरा एंटीना हिला कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊँगा ज़िंदगी में, तो मैं यहाँ आया। फिर वो कोर्स 1 साल का था, उसके बाद मैंने 1-2 शो किए, गजेंद्र सिंह साहब का मैंने वॉइस ऑफ इंडिया किया, लेकिन फिर शशांक जी से मेरी मुलाकात हुई 2009 में, तब वो FIR कर रहे थे, तो मैं उनके पास एज अ थर्ड असिस्टेंट, सबसे जूनियर असिस्टेंट होता okay. है, मैंने ज्वाइन किया। फिर इत्तेफाकन मेरे जितने सीनियर्स थे उन्होंने लकीली बहुत जल्दी छोड़ दिया शो, तो मैं बहुत जल्दी राइज कर गया रैंक्स में, तो आई वाज एन एसोसिएट विद इन 2 ईयर्स। अच्छा, 2 साल में असिस्टेंट से एसोसिएट, वेरी गुड। और शशांक जी बहुत काइंड आदमी है, इंसान है, तो उन्होंने शायद कुछ स्पॉट किया, तो वो मुझे कभी कभी कुछ सीन डायरेक्ट करने को देते थे FIR में। अच्छा, इंडिपेंडेंटली? हाँ, इंडिपेंडेंटली, कि मैं आज सुबह थोड़ा लेट आऊँगा तो तुम ये कर लो, तो इस वो मुझे भी जज कर लेते उसी बीच, और वो सीन उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते थे शायद एपिसोड में, तो इट वॉज अ वे ऑफ गिविंग मी कॉन्फिडेंस एंड फॉर हिम ऑल्सो टू जज मी। तो 5 साल मैं FIR में था, तो तब तक तो मैं थोड़ा पक गया था, एज इन पक गया, एज इन राइप, तो वो समझ गए थे कि अभी तैयार है। पर फिर फॉर वॉट एवर रीजन आई हैड टू लीव FIR, देन आई असिस्टेड मिस्टर अनुराग बासु फॉर एन ईयर, टगोर स्टोरीज करके एक शो बनाया था सर ने, तो उसके दौरान ही मुझे शशांक जी का कॉल आया था कि मे आई कम इन मैडम करके एक शो वो करने वाले हैं, तो क्या मैं कर पाऊँगा डायरेक्ट? तो मैंने बोला बिल्कुल, अगर आप मुझे डायरेक्ट करने को कह रहे हैं तो ज़रूर आऊँगा। तो फिर वो भी मतलब लकीली टगोर स्टोरीज ख़त्म हुआ और मे आई कम इन मैडम शुरू हुआ, तो मैंने वो मेरा फर्स्ट शो है एज अ डायरेक्टर, वो भी शशांक जी का ही दिया हुआ है, और ये भी मतलब एक बार जब भरोसा हो जाता है सीनियर्स को तो वो बाद में भी चांस देते रहते हैं, भले आप उस समय उनके साथ काम ना कर रहे हो। बिल्कुल, और ये शशांक जी नहीं, मुझे एक्चुअली एक बड़ी अच्छी लाइन है उन्होंने शुरुआत में ही मुझे सिखाई थी जब मैं 21-22 साल का था, कि इस इंडस्ट्री में टेक्नीशियन को, खासकर एक्टरों का नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि आप एक ही जगह खो दें तो ज़्यादा जल्दी पानी निकलेगा। ओके, रादर देन असिस्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल, इफ़ यू असिस्ट समबडी फॉर अ लॉन्गर स्ट्रेच, तो लर्निंग एक्सपीरियंस ज़्यादा। हाँ, और उस आदमी को आप पे देखिए, आप सारे एग्जांपल्स जो भी यंग डायरेक्टर फिल्मों में भी है, सपोज अभिषेक चौबे अगर मैं बोलता हूँ,
तो विशाल भारद्वाज के पास 11 साल थे वो. राइट तो right. वो एक आदमी का तो आपको लेना पड़ेगा ट्रस्ट, तो वो आपकी फिल्म बनवाएगा फिर. राइट, तो ये भी एक तरीका है. ओके, उसके बाद ये शो की शुरुआत में कैसे? ये शो भी ऐसा ही था कि सर ने, मैं खाली बैठा था आई थिंक घर पे, फिर सर ने फ़ोन किया कि मैं एक शो ले रहा हूँ, तुम करोगे क्या? तो मैंने बोला बिल्कुल करूँगा, मैं खाली हूँ. तो सर ने बोला ठीक है. तो ऑल दो ज़रा इनिशियली डिले हुआ प्रोजेक्ट, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद नवंबर वोवेंबर में, बट थोड़ा डिले हुआ, लेकिन फिर मैंने किया. ओके, आपको क्या लगता है कि ये जो तैयारी थी, आपने पहले पढ़ाई करी फिल्म मेकिंग को लेकर, ज़्यादातर लोग कई होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे को फिल्म मेकर बनना, मुंबई आ जाते हैं डायरेक्टली, क्या आपको लगता है वो तैयारी इंपॉर्टेंट है और उसने आपको हेल्प किया? देखिए मुझे तो हेल्प किया है, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहूँगा, मैं बस इतना समझता हूँ कि हर चीज़ का एक ग्रामर है किसी भी आर्ट फॉर्म का, तो ग्रामर सीखना ज़रूरी है किसी भी तरह, चाहे वो इंस्टीट्यूट से सीखें आप, या तो ऐसे मित्रगण हो या कर करके सीखो. बिल्कुल कर करके सीखा जा सकता है, और हम करके भी कुछ चीज़ें ऐसी सीखें जो हमें इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई गई. राइट, पर इंस्टीट्यूट में आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, एटलीस्ट आई हैव सीन सम 200-300 फिल्म्स, सो वो मेरे दिमाग में तो है, कभी ना कभी तो इस्तेमाल होगा, शायद आज कुछ कर रहा हूँ जो मैंने वहाँ देखा, सबकॉन्शियसली हेल्प कर रहा मुझे. तो आपके हिसाब से डायरेक्शन की फील्ड में करियर बनाने में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है? अरे बहुत अहम चीज़ है पेशेंस. पेशेंस इज अ वर्च्यू, आई कीप सेइंग, क्योंकि 200 चीज़ें या 100 चीज़ें रोज़ सेट पे गलत होती हैं, और वो इंसान ही गलत कर रहा है, तो आप नेसेसरीली उन पे चीख भी नहीं सकते. चीखेंगे तो इनफैक्ट और गलतियाँ होंगी उन लोगों से, तो आपको वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आना पड़ेगा कि गलत तो होगा ही, व्हाट इज द बेस्ट आई कैन डू विद समथिंग व्हिच गोज रॉन्ग, इट हैज टू बी लर्नड आई थिंक. ओके, आप शशांक जी की टीम में थे एज असिस्टेंट, फिर एज एसोसिएट, और फिर उन्होंने चांस दिया, आपकी टीम में ऐसा कौन है जो चल रहा है अभी? मेरा अभी फिलहाल मेरा चीफ असिस्टेंट है राहुल गोयल करके, ये मेरे साथ 1-1.5 साल से है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल तो है इसमें, बट अनलाइक मी वो कॉमेडी में ज़रा लेट आया है. ओके, मैं बचपन से कॉमेडी कर रहा था, इसने असिस्ट बहुत किया है मेरे से पहले भी, इनफैक्ट आई एम द यंगेस्ट डायरेक्टर इज असिस्टिंग, ही हैज डायरेक्टेड क्वाइट बिगीज ऑफ टेलीविजन, तो आई एम श्योर टेक्निकली तो वो साउंड है, पर इफ़ ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू इन कॉमेडी देन थोड़ा सा और मेरे ख्याल से वो सेंसिबिलिटी जो है वो मंजना बाकी है. हाँ, वो एक सिक्स्थ सेंस होती है कभी कभी कि आप पंच लोकेट कर लेते हैं. अच्छा, नॉर्मली जब भी कोई डायरेक्टर होते हैं, फिल्म मेकर होते हैं, उनके दिमाग में हमेशा तैयारी है हॉलीवुड में ऐसा होता है, मैं ऐसी एक फिल्म बनाऊंगा, ऐसा कुछ करूंगा, जबकि आप जो सीरियल कर रहे हैं इसमें वो देसी देसी चीज़ें हैं जी, तो आपका मन नहीं करता मैं उस तरह सोचूं, या यही अच्छा लगता है आपको ज़मीनी हकीकत वाली चीज़ें? नहीं नहीं, ये तो बेसिकली प्रोजेक्ट पे निर्भर करता है कि जॉनर, जैसे मैंने मे आई कम इन मैडम किया, तो वो आई विल नॉट कंपेयर इट टू अ हॉलीवुड शो, बट उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो अर्बन मैं कहूँगा, जो अर्बन, काफ़ी अर्बन, और उसको पसंद भी टीनेजर्स और यंग जनरेशन ने किया, इट वॉज पुशिंग द बाउंड्री ऑफ टेलीविजन इन अ लॉट ऑफ वेज, तो वहाँ मैंने किया. अब ये शो मुझे पहले ही पता था कि कानपुर में बेस्ड है, हप्पू सिंह का किरदार बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ मैं, देसी इज़ अ पोलाइट वर्ड, तो मुझे पहले ही पता था, बट ये भी ज़रूरी है, मतलब मैं सिर्फ हॉलीवुड में भी, हॉलीवुड हमारे लिए वेस्टर्न है, पर वो तो अपने गांव की चीज़ें दिखा रहे हैं, राइट तो उनके लिए वो गाँव है, और जितना हम आसपास का दिखाते हैं लोग रिलेट भी कर पाते हैं. बिल्कुल. अच्छा, ऋत्विक एक अच्छे डायरेक्टर तो हैं, साथ में अभी मैं वहाँ पे था तो देखा कि ये तबला भी बजा रहे थे, तबला प्लेयर भी, तो ये तबला कनेक्शन क्या है? तबला जो है मुझे खानदानी मिला है, मेरे पिताजी बजाते हैं तबला. वैसे तो वो इंजीनियर रहे प्रोफेशनली, लेकिन उन्होंने बहुत शौक से सीखा बचपन में बनारस घराने से, तो अब क्योंकि उनकी पैदाइश हूँ तो बचपन से उनको सुनता आया, तो मैंने भी 9-10 साल की उम्र से सीखा है उनसे, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया एक उम्र के कि प्रोफेशनली तबला नहीं बजाऊँगा. एक तो मिडिल क्लास फैमिली से जो कंटिन्यूस टेंशन रहता है कि कैसे कमाएगा, तो मैंने डिसाइड किया इसको शौक ही रखते हैं, पर मैं इतना ज़रूर करता हूँ उस इंस्ट्रूमेंट की श्रद्धा के लिए कि अभी भी रोज़ रियाज करता हूँ मैं. ओके, ग्रेट. और मेरे दोस्त हैं बहुत गाने बजाने से रिलेटेड, तो उनके साथ बजाता हूँ बैठकों में. और
तो सेट में भी एक दो बार बजा ले तो अच्छा लगा। आज ऐसा हुआ किस्मत से कि हप्पू सिंह की छुट्टी थी तो उसका कमरा खाली था और क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे पता था कि कल कि आज वो नहीं आएगा तो मुझे पता था कि एक कमरा मेरे लिए है तो मैं ले आया, क्योंकि रात को फिर शूटिंग से लौट के मैं घर पे बजाता हूँ तो काफ़ी लंबी रात हो जाती है। तो प्रोफेशन के साथ साथ जो शौक है उन्हें भी पूरा किया जा सकता है, यहाँ पे इतना टाइम मिलता है, करना ज़रूरी है, करना ज़रूरी, क्योंकि नहीं तो फिर आप घिस जाएंगे टेलीविजन में काम करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो ये थे ऋत्विक, एक डायरेक्टर जो कि इस समय बहुत बड़ा हिट शो जो चल रहा है हप्पू सिंह की उल्टन पल्टन, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, आगे और बड़ी बड़ी फिल्में करें, सीरियल्स करें, यही हमारी विशेष है। आपने एक बार समझी होगी कि सीखना और जानना बहुत ज़रूरी है, उससे आपका करियरग्राफ अच्छा रहता है, आप खुद भी एक कॉन्फिडेंस रहता है। उसे एक बात बहुत अच्छी बताई उन्होंने, जो उनको शशांक जी ने बताई थी, वो ये कि आप एक ही के साथ लंबे समय तक काम करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस अच्छा होता है, कम से कम आप कुछ ले पाते हैं, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके आप लेते हैं तो कई बार पूरी चीज़ बन नहीं पाती है। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी, भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। I will join films someday.